PVsyst, the most popular solar designing software for the solar PV plant designing, and it's having a popularity in the market. I have got so many requests to start the PVsyst training. So from today onwards, I am going to start a training series for PVsyst. Hey guys, I am Amiya. Welcome to my channel, all about solar and the soul of all energy. So today I am going to tell you about the basics of PVsyst software. So what are the data we need first, and how would you start, and how could you make the basic design, and what are the data you need to import to the software to start the basic designing. So let's get started with PVsyst. PVsyst सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है कि हाउ टू डाउनलोड द सॉफ्टवेयर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू गो टू द गूगल क्रोम. यू जस्ट गो टू द सर्च बार एंड टाइप इट फॉर PVsyst डाउनलोड. यू विल रीडायरेक्ट टू अ स्क्रीन लाइक दिस. डाउनलोड PVsyst एंड क्लिक ऑन इट. सो यू विल गेट अ डायरेक्ट सॉफ्टवेयर डाउनलोड पेज एंड हियर ऑल द सिस्टम रिक्वायरमेंट इज देयर. दिस इज द लेटेस्ट वर्जन 30th of August 2019 which has been released date and download PVsyst 6.84. ये यहाँ से आपको 1 month का free trial मिलेगा जहाँ पे आपको full features के साथ ये trial मिलेगा. Now click on this option and just click on save. So आपका जहाँ पे भी आप save करना चाहते हो ये save कर सकते. Now go where you save the setup file. So just double click on it. So ये software कोई बहुत बड़ा software नहीं है. आप जैसे normally install हो जाएगा. C drive choose करना है आपको. आप install कर लोगे इसको. पिछला मेरा 3 एपिसोड्स में हम लोग जो डिस्कस किए थे कि एक पर्टिकुलर रूफ में कैसे हम सोलर मॉड्यूल लगाते हैं, जो हमने स्केचअप पे भी ड्राइंग किया कि कितना मॉड्यूल लग सकता है, और उसके बेसिस पे आपको पता चलता है कि क्या कैपेसिटी होगा. अगर आपको इंटरेस्ट है तो कार्ड पे भी लिंक आ रहा है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हूँ, तो आप देख सकते हो. हम अभी उसी को लेके PVsyst डिज़ाइन करेंगे ताकि आपको भी क्लियर रहे कि हम किस बेसिस पे डिज़ाइनिंग प्रॉपर कर रहे हैं. बिफोर स्टार्टिंग इन PVsyst, we need to know what is PVsyst and what is the requirement of this software and what is the main purpose of use this software. Basically PVsyst, it's kind of a software which can give you a estimation of the solar power plant generation, because as we all know solar power jo hai ye solar radiation ke upar. So solar radiation jis basis pe aayega aapko generation bhi us basis pe hi milega. So renewable energy is not dependent upon anything, because it's dependent upon the totally environment and you can't control that power. That's why if you are putting a plant or you are investing some money for a solar power plant, how would you get the generation and how would you get benefited from the generation? So that's why we always recommend to get the estimated generation from the PVsyst software. So that is the main purpose of this software. Another things I want to say here, PVsyst mein aapke paas flexibility hai. Aap कोई भी कंपनी का मॉड्यूल और कोई भी कंपनी का इन्वर्टर चूज़ कर सकते हो. वो कैसे चूज होता है, क्योंकि PVsyst सॉफ्टवेयर में वो हर एक इन्वर्टर और मॉड्यूल का जो पैरामीटर्स होता है, पर्टिकुलर जो पैरामीटर्स, जैसे मॉड्यूल का मेन पैरामीटर्स हो गया कि VOC, ISC, IMV, VMV, आई विल एक्सप्लेन दोज इन डिटेल्स फर्दर. बट ये जो डेटाबेस होता है, ये डेटा हर एक मॉड्यूल और इन्वर्टर मैन्युफैक्चरर के पास होता है कि उसका जो इन्वर्टर है या मॉड्यूल है वो किस बेसिस पे बना है और उसका क्या पैरामीटर्स है. तो डेटा सीट होता है. तो डेटा सीट का ही और एक पैटर्न होता है जो जिसको हम बोलते हैं पैन फाइल. पैन फाइल मॉड्यूल के लिए होता है जो PVsyst सॉफ्टवेयर में आपको अपलोड करना पड़ेगा. इन्वर्टर के लिए होता है .ond फाइल. सपोज आपने कोई एक्स मॉड्यूल लिया एंड वाई कंपनी का इन्वर्टर लिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स कंपनी से पैन फाइल लेना है एंड वाई कंपनी से .ond फाइल लेना है, और आप उसको अपलोड करोगे PVsyst सॉफ्टवेयर. अपलोड करने के बाद आप बटन एंड मॉड्यूल का सारा डिटेल्स मिल जाएगा, उसके बेस पे आप डिजाइन करो तो आपको प्रॉपर जनरेशन मिलेगा. अब जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है. नाउ डबल क्लिक ऑन इट. नाउ दिस इज योर सॉफ्टवेयर. हियर इट इज शोइंग दैट इज ट्रायल वर्जन. नाउ पैन फाइल और .ond फाइल आपके डिजाइनिंग के लिए रिक्वायरमेंट हो तो कैसे आप अपलोड कर सकते हो. जैसे गो टू द फाइल्स, देन गो टू द इम्पोर्ट कॉम्पोनेंट्स एंड देन ब्राउज इट. जैसे मैंने यहाँ पे 2 फोल्डर करके रखा है, तो मैंने पहले इन्वर्टर का क्लिक कर रहा हूँ. तो सिलेक्ट फोल्डर, आपका जो भी डेटा है वो यहाँ पे कॉम्पोज पीवी में आएगा, और इन्वर्टर्स में क्लिक करेंगे तो आपको ये डेटा मिलेगा जहाँ से आप इसको क्लिक करके इम्पोर्ट कर सकते हो. अगेन गो टू द फाइल्स, इम्पोर्ट कॉम्पोनेंट्स
and again browse it and do the same thing for module. Select folder and here it is compose pv, pv modules, and there are different kind of modules like what are the pen files I have. So just click on and you can import it. Ab jaise mera software ab ready hai designing ke liye. There are so many tab. Preliminary design, it's a basic design process. Aap jab aapke paas time nahi hai us case mein aap use kar sakte ho, but hum yahan pe normally project design ka hi baat karenge. उसके बाद है आपका डेटाबेस. डेटाबेस में अगर आपको किसी एक साइट का जियोग्राफिकल डेटा भी सेव करके रखना है तो आप यहाँ से जियोग्राफिकल साइट्स में जाके कोई भी एक न्यू बना के एक सेव कर सकते हो. जियोग्राफिकल साइट पैरामीटर से यहाँ से सेव कर सकते. अब यहाँ से कैसे सेव होता है वो मैं अभी दिखाता हूँ. उसके बाद आपका जो है सिंथेटिक आवरली डेटा जनरेशन. अब आवरली डेटा जनरेशन जो है ये आपको जैसे कोई पर्टिकुलर साइट का ऑलरेडी आपने यहाँ पे जियोग्राफिकल पे सेव करके रखा है उसको आप यहाँ पे खोलोगे. Just open it here, the site name, so the data will be automatic showing over here, so you can get this data. Meteor tables and graphs, this is also in the geographical data. Basically these are the meteorological datas. Compare meteor data, it's a different thing. Like aapko hourly data agar compare karna hai, particularly global horizontal yearly kya differences aa raha hai aur probabilities kya hai, but ye sare cheez aapko ek single report mein mil sakta hai. To ye segregated aise karke jane ka koi fayda waise nahi hai. Aur ye component database hai, matlab modules ka jaise maine dikhaya, modules ka kya kya modules aapne already aapke paas pen files mein hai wo aap koi bhi dekh sakte ho kya kya modules aapke database mein hai. नेक्स्ट हम जाते हैं प्रोजेक्ट डिज़ाइन में. प्रोजेक्ट डिज़ाइन में देर आर सो मेनी ऑप्शंस. ग्रिड कनेक्टेड, स्टैंड अलोन, पंपिंग, डीसी ग्रिड. तो हम यहाँ पे ग्रिड कनेक्टेड के लिए बात करेंगे. सो क्लिक ऑन ग्रिड कनेक्टेड. नाउ यू विल गेट अ स्क्रीन लाइक दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट गिव अ फाइल नेम एंड जस्ट गिव अ प्रोजेक्ट नेम. नाउ वॉट यू नीड टू डू, गो टू द मीटियो डेटाबेस. नाउ वॉट इज मेट्रोलॉजिकल डेटाबेस, like which is related to environment, solar irradiance data, wind speed, temperature. So these data which are normally required for solar PV designing. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए geographical sites में जाएंगे और यहाँ पे जाके मुझे new site add करना है तो click on new. यहाँ पे आप directly geographical coordinates options में आ गए हो. If you have the latitude longitude, just click on the lat long details, click on it and copy it and paste it over here. Now click on search. अब जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरा जो लोकेशन था उस लोकेशन में ही आ गया है. अब यहाँ पे आपको दिखा रहा है लोकालिटी सुभाष नगर, कंट्री इंडिया, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, एल्टीट्यूड, टाइम जोन. आप जैसे यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो. अब इंपोर्ट में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगा कि लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड क्या है, टाइम जोन क्या है, वो सारा चीज़ मिल जाएगा. और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जैसे सनपाथ, तो ये होता है सनपाथ. और यहाँ से आपको अगर इसको प्रिंट लेना है आप इसको प्रिंट ले सकते हो. क्लिपबोर्ड में जाके आप कोई भी मतलब क्या आपका क्वालिटी रहेगा पीडीएफ का वो भी सिलेक्ट कर सकते हो. अब जब आप कोऑर्डिनेट डालोगे तो उसके हिसाब से ये साइट नेम भी ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेता है. अब यहाँ पे देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ डेटाबेस. मीटियोनॉम 7.2, नासा का कुछ डेटाबेस है मेट्रोलॉजिकल डेटा का, पीवीसिस्ट का ही खुद का ये है. तो हम लोग यहाँ पे मेट्रोनॉम डेटा यूज़ करेंगे, बट वैसे आप कोई भी डेटा यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. बट हम लोग जनरली मेट्रोनॉम लेके ही चलते हैं क्योंकि इसका डेटा का थोड़ा सा एक्यूरेसी अच्छा होता है. तो आप यहाँ पे क्लिक ऑन इम्पोर्ट. So it will take time to gather the data from the database. Now you can see the data has been imported for that particular site. So horizontal global irradiance, like horizontally kya solar ka radiation girega, horizontal diffuse irradiance, jahan se diffuse hoga, matlab suppose koi bhi plane hai to usse diffuse jo hoga, that is the diffuse irradiance. Temperature, these all are the average data. Now wind velocity kya rahega us particular location ke liye, sare parameters ka aapko ek एवरेज डेटा मिल जाएगा. अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इरेडियंस यूनिट्स जो है ये हम किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे पे बेस पे लेते हैं. बेसिकली इसी के हिसाब से हम लोगों को कैलकुलेशन में इजी होता है क्योंकि हम लोग ऑलवेज जब भी इरेडियंस डेटा का यूज़ करते हैं तो किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे में देते हैं. क्लिक ऑन ओके. देयर विच इज शोइंग दैट सेव द जियोग्राफिकल साइट फाइल. ये जो जियोग्राफिकल साइट जो सेव होता है वो MN72 में सेव है क्योंकि मेट्रोलॉजिकल 7.2 इसमें से हम लोग डेटा लिए, तो MN72 में ये सेव हो जाएगा. जस्ट क्लिक ऑन सेव और .sit फाइल में ये सेव हो जाता है. सो अब जैसे ही आप मेट्रोलॉजिकल डेटा का ये सेव कर दिए तो आप जैसे ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, आपको दिखाएगा
क्या सिंथेटिक आवरली मीटियो फाइल हैज़ ऑल्सो बीन जेनरेटेड, जो मैंने बोला था कि ऑलरेडी जब आप सेव करोगे तो उसके हिसाब से आपको आवरली डेटा मिल जाता है. अगर सेव करना चाहते हो सो क्लिक ऑन येस, अगेन क्लिक ऑन सेव. ओके, सो द जियोग्राफिकल साइट हैज़ बीन डन. नाउ जस्ट क्लिक ऑन इट बैक टू द प्रोजेक्ट एरिया. सो हेयर यू कैन सी द प्रोजेक्ट नेम, फाइल नेम ऑल आर रिमेन सेम. तो इस प्रोजेक्ट के लिए आपका जो मेट्रोलॉजिकल डेटा था वो इम्पोर्ट हो गया है. अब यहाँ पे आप इसको सेव करोगे तो आपका ये पूरा प्रोजेक्ट सेव हो गया है. जैसे कि अब मेरा जो प्रोजेक्ट था, मेरा प्रोजेक्ट तो सेव हो गया है और यहाँ पे जैसे ये दिखा रहा है कि द ओरिएंटेशन इज़ नॉट डिफाइंड. तो ये आपका ये ओरिएंटेशन सिस्टम डिज़ाइन हर एक टैब है जो जहाँ पे आपको डेटा इनपुट करना पड़ेगा. तो ये सारा चीज़ें हम नेक्स्ट एपिसोड से डिस्कस करेंगे. यहाँ तक हम लोगों का जो भी डेटा गैदरिंग का पार्ट था वो हमने कम्प्लीट कर लिया है. इसके बाद हम नेक्स्ट एपिसोड में प्रोजेक्ट सेटिंग से स्टार्ट करेंगे. That's all about today's episode, and in our next episode we'll discuss about the module orientations and how to decide the strings of solar module in PVsyst. If you like this video and if you think this video is helpful for you, just like and subscribe to my channel and share it with your friends. Till then, goodbye. I'll catch you guys in the next episode. Thanks for watching. Please like and subscribe to my channel All About Solar, Sun the Soul of All Energy. Thank you.